બહુજન સમાજ પાર્ટીના વોર્ડ નંબર 11, વોર્ડ નંબર 12 તથા વોર્ડ નંબર 7 ના ઉમેદવારોનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું। आगामी दिवसों में स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी आवी रही छे, त्यारे शहर में इलेक्शन वोर्ड 7, 11 अने 12 बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों ने तांदळ जेवा विस्तार में फूलहार पहेरावीने अभिवादन करवामां आव्युं हतुं। साथे साथे ज वोर्ड 11 ना उम्मीदवारना चाहकों द्वारा फटाकड़ा फोड़ीने आतिशबाजी पण करवामां आवी हती। रिपोर्टर नजीर शेख, वडोदरा। जी, आपको वोट नंबर 12 के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर के ऊपर आपकी पसंदगी की गई, आप क्या कहेंगे? जी, मैं वार्ड नंबर 12 बहुजन समाज पार्टी से चुटने के लिए उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई हूँ। आपकी प्राथमिक कौन से मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, उनकी परेशानियों के लिए खड़ी हुई हूँ। और अब तक जो बहुजन समाजवाद पार्टी ने जो काम अच्छा किया है वो ही करेंगे। और ये अब तक जो बीजेपी ने नहीं किया, क्या किया 25 साल से? कुछ नहीं किया है, आप लोगों को पता है। और कांग्रेस ने जो नहीं किया वो ही मतलब बहुजन समाजवाद पार्टी करेगी, अच्छा काम करके दिखाएगी। आपका नाम? मेरा नाम लता केला है। उम्मीदवारी नोधाई है कि 25 वर्ष थी भाजपा शासन में अपने जी सकिया है कि भाजपा शासन में भी 25 वर्ष सुधी भाजपा हजू भी चालू है राज्य एमन तेरे भी गटर रोड पानी प्राथमिक सुविधा में लोग निष्फल गया है। प्लस विरोध पक्ष में कांग्रेस भी रही के भी कहीं दम रू नहीं। आज सुधी जी सको तब तानलिया विस्तार में 11 नंबर वोर्ड में आज सुधी 25 वर्ष पछी रोड आ इलेक्शन नजीक आए एटले रोड पर खाली डामर पोटी करवामां आवी छे। मारी इच्छा प्राथमिक सुविधाओं ने रोड रस्ता गटर पानी ये सुविधा अमे लोग प्राथमिक सुविधा सौथी पहेला पूरी पाड़वा मांगे छे। हजू भी केटला विस्तारों में गंदू पानी आवे छे, अमारी प्राथमिक एक रीते स्वच्छ पानी रोड रस्ता गटर लाइट स्ट्रीट लाइट बधुं कम्प्लीट करावानुं। आपनुं नाम? रिजवान सैयद। जी, आपकी वार्ड नंबर 7 से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर के ऊपर पसंदगी की गई, क्या कहेंगे आप? कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे की कमी नहीं है। हमारे अभी जो ये इलेक्शन होने जा रहा है इससे पीछे 8-9 महीने सिर्फ पीछे जाइए, जो हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कॉरपोरेशन का जितना भ्रष्टाचार पैदा हुआ था, लोगों को पानी पीने के लिए किसी में मछली आ रही है, किसी का पीला पानी आ रहा है, तो जो सरकार थी वो कॉरपोरेशन ने क्या किया था? इंजीनियर को सस्पेंड किया था और कुछ दिन के बाद फिर से उनको ले लिया गया है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अगर लोगों को हम सही पानी नहीं दे सकते हैं, ना उनको हम उनका स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, तो ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। और जो इंजीनियरों को हमने सस्पेंड किया था, सस्पेंड नहीं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। जिस तरह हमारे फौज के अंदर कोर्ट मार्शल होता है, इसी तरह जो हमारे कॉरपोरेशन के अंदर भी जो भ्रष्टाचार करते हैं उन लोगों को भी सीधे कोर्ट मार्शल करना चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर 1-2 इंसान को इस तरह कर दिया जाए पूरा अपना कॉरपोरेशन सुधर जाएगा। और ये मैं जिस दिन कॉरपोरेशन हम वार्ड नंबर 7 में वो बना, मैं भ्रष्टाचार का नाम निशान मिटा दूंगा, ये मेरे वादा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जिस दिन मैं कॉरपोरेटर बन गया समझ लो वीएमसी का तकदीर बदल गया। मैं और नेताओं की तरह नहीं हूँ कि भ्रष्टाचार करूँगा, मेरे खून में तो डीएनए बचा हुआ है। देश के लिए हम मर मिटने वाले इंसान हैं तो हम समाज के लिए क्यों नहीं करें? अगर फौजी देश के लिए मर सकता है, शहीद हो सकता है, तो हम अपने गरीब समाज पिछड़े को भी हम साथ दे सकते हैं। इसलिए मैं फौजी हिंदुस्तानी और फौजियों को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मेरी तरह आप भी निकलें और देश की सेवा तो किए हैं, समाज की भी सेवा करो। मैं तो यही जानता हूं हमारा देश 2 कदम आगे जाए पीछे नहीं। मुंह से भाषण करने से विकास नहीं होता है, ग्राउंड में करके दिखाना होता है। मैं यही कहना चाहता हूं। और मैं आने वाले समय में अगर मैं इस वार्ड से जीता,
समझ लो उस वार्ड की तकदीर खोल दूंगा। हर दिन किसी भी हो, कोई भी इंसान हो, हमारे वार्ड का भी हो या ना हो, वो हमारा दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहेगा। वो आ सकता है, अपनी जो उसकी तकलीफ है वो हमें बता सकता है, उसकी तकलीफ उसी टाइम हम ठीक करेंगे, दूर करेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। मेरा नाम है जग मोहन तिवारी, फौजी हिंदुस्तानी।